कितने पैसे मिला वो? इंटर्नशिप में मुझे मिले थे 7,500 मंथली, और अब कितने? अब है अच्छा है, अच्छा खासा घर बन गया, घर चल जाता है। अभी जो उनकी फिल्म आ रही है सरफिरा, वो भी मैं देख के आया, मैंने पूरी फिल्म देखी है। आपको पहले दिखा दी? क्योंकि हम पार्टनर्स हैं, मेरे चाहिए पार्टनर्स है, टाइम्स टाइम्स ने आई थिंक जंगली पिक्चर्स ने प्रोड्यूस की है, बहुत जबरदस्त है। आप खाली उनकी एक्टिंग देखना। आप देखते हो कि रिव्यूअर कुछ कुछ होते हैं यूट्यूब पे? मैं रिव्यूज देखने में छोड़ दिया है, और मैं पहले भी रिव्यूज नहीं देखता था, क्योंकि क्या है, मैं जब तक फिल्म नहीं देखता मैं रिव्यूज नहीं देखता। जानते तो हो किसी यूट्यूबर को जो रिव्यू करता है? सब कॉन्टेक्ट में है या बात करता है, बट किसको, जैसे कौन? शान प्रसार एक है। अच्छा है, शान प्रसार है वो, मेरे को बढ़िया लगता है। और फिर जितने भी मीडिया वाले अभी उनका मतलब है, मतलब जूम टीवी वाले है अभी सब। पेरेंट्स ने नहीं बोला कि इस लाइन में मत जाओ? सबके वो बहुत कंसर्न रहते हैं कि ये लाइन। देखो ये चीज ना मैं पॉडकास्ट में भी पूछ रहा हूँ अपने बहुत सारे स्टार्स को, जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ, कर्मा जो पूछोगे वो मिलेगा। ये वही है जो गोल घूम के आता है ना। हाँ, तो क्या मना नहीं करते? देखो 12th के रिजल्ट के एक दिन पहले मैंने अपने पापा को बोला था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, क्योंकि मैंने साइंस किया था। कम परसेंट आया था क्या यार? मैं मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था क्या रहा है 11 और 12 में, तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं होंगे उस टाइम पे, तो मतलब। और मुझे पता था मेरा रिजल्ट खराब ही आने वाला, क्योंकि मैंने पढ़ाई की नहीं थी 11 12 तो कहता 50-60 इतना यार, 55% कुछ होता 12 में, 10 में नहीं यार, मेरे घर पे मॉम डैड बहुत चिल्ले। तो उन्होंने, बट मैंने रिजल्ट एक दिन पहले बोला था कि मुझे ये सीखना है, साइंस में नहीं करना है मुझे आगे कुछ। डैड ने पूछा कि ऐसा है तो मुझे पता है ना कि जॉब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, जो आपने सवाल मुझे पूछा भाई डैड ने पूछा था। फिल्म ने तो आपने फिर कैसे डील किया उसे? तो यार डैड, मैंने जैसे बोला डैड काफ़ी चिल्ले यार, तो मैंने डैड को समझा मुझे ऐसा है वैसा, डैड बहुत सपोर्टिव थे और अभी भी है। तो डैड ने बोला ठीक है अपन देखते हैं फिर कहाँ पे सीखना है। तो फिर वहाँ पे तब मैंने स्कूल ढूंढे, जैसे विस्लिंग वुड्स, और वो मैंने जी, तब मुझे जी का मिला। तो आपको ऐसे मतलब डिग्री करनी थी इसकी, मतलब फिल्म मेकिंग की? आप ऐसे बोले कि डायरेक्ट चला जाता हूँ सेट पे किसी? नहीं यार, नहीं यार, डिग्री प्रॉपर मुझे सीखना था। हाँ। और पापा मेरे बहुत सपोर्टिव थे और अभी भी है, जैसे मैंने बोला तो उन्होंने बोला ठीक है तू सीख अपन देखते आगे का। तो ऐसा कुछ मेरे घर पे नहीं था कि तू अभी इतने पैसे कमा के ला वैसा ला, ऐसा कुछ नहीं था, प्रॉपर सपोर्ट था। तो वही है, तो उसी में सीखा। तो आपकी जिंदगी का पहला इंटरव्यू कौन सा था? आप मेरे को ऑफ कैमरा बता रहे थे। जिंदगी का पहला इंटरव्यू था, मुझे दिया गया था अर्जुन कपूर। और कौन सी फिल्म आ रही थी? उनकी फिल्म आ रही थी कोविड के जस्ट बाद भूत पुलिस, जो हॉटस्टार पे आने वाली थी, वही आपका मतलब पहला था। हाँ, और मैं आपको इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। बताओ, वो उनका एक वायरल भी हुआ था। तो हाँ, तो ये सब चीजें कनेक्टेड है। तो क्या हो ना, अर्जुन कपूर जितनी बार मिर्ची में आए थे, तो एंकरिंग के पहले जैसे मैंने बोला मैं इंटर्न था, और इंटर्न के बाद मैं प्रोड्यूसर बना, प्रोड्यूसर एज इन जो पूरा जो आरजेस इंटरव्यूज लेते थे उनका एडिट्स देखो, उनका शूट पे ध्यान रखो, बेसिकली डायरेक्शन। तो जो आरजेस इंटरव्यूज लेते थे और मिर्ची में आके मैं उनका डायरेक्शन करता था, मैं प्रोड्यूसर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर था अभी भी हूँ। तो तब अर्जुन कपूर जितनी बार भी आया ना, उनका पता नहीं क्या शॉर्ट टेम्पर्ड थे या है, तो एक बार उन्होंने माइक फेंका था। वो पता नहीं उनका मूड खराब था या क्या था, जब मैं प्रोड्यूसर था कोई आरजे इंटरव्यू ले रहा था। फिर दूसरे इंटरव्यू में वापस मिर्ची में आए थे, तो एक कुछ तो गेम था श्रद्धा कपूर के साथ, हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म आई थी, उनका कुछ गेम खेला था हम लोगों ने, कुछ गेम सेगमेंट किया था, तब वो गुस्सा हुए थे आरजे पे, आरजे रोए थे, तो एक थोड़ा डर था अर्जुन कपूर के अराउंड। तो जब भूत पुलिस का इंटरव्यू था, सब आरजे ने मना किया था कि हम इनका इंटरव्यू नहीं लेंगे। तो जब बॉलीवुड डेस्क में आपको बोला था, उन्होंने मुझे बोला था यार तू जाके ले ले, तो वैसे मेरे पास इंटरव्यू आया क्योंकि आरजे ने मना किया था, इसलिए वो मेरे पास आया। आपको डर नहीं लगा था जैसे सबको? यार मैंने बोला था मुझे अर्जुन कपूर का नहीं लेना, मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है इंटरव्यूज का, और मैंने सीखा भी नहीं है एंकरिंग में, कैमरा के सामने भी मेरा एक्सपीरियंस है नहीं, कैमरा के पीछे का एक्सपीरियंस है। तो फिर नहीं नहीं तुझे लेना ही पड़ेगा, ये वो है, मैंने ठीक है, एक्साइटमेंट थी। तैयार की ऐसे यार, सवाल लिखे थे, सवाल लिखे थे क्या पूछना है। ये हमारा पहला इम्प्रोम्प्टू है, मतलब एक था रिकॉर्ड किया था उसमें आवाज ही नहीं आई, अब क्या बोले। तो हमने स्क्रिप्ट अभी बंद कर दिया, पहले हमको सवाल लिख के देते थे। यार इसमें स्क्रिप्ट मत लिखो, मैं आपको सजेस्ट करता हूं। वही अरे वही अब अजीब लगता है, यहाँ पे पेपर है, यहाँ देखो। हाँ हेलो कैसे हो? तो आपका वो प्रैंक आप लोग ने प्लान किया था वो, मतलब वो यार प्रैंक में मिर्ची ज्वाइन होने से पहले हुआ था वो शूट। अच्छा हाँ, बट वो प्रैंक बहुत गंदा वायरल हुआ था। तो गाइस वो एक्चुअली थप्पड़ नहीं मारा था अर्जुन कपूर ने, वो प्रैंक था। अर्जुन कपूर और मिर्ची का थोड़ा 36 का आंकड़ा है अभी भी, वो थोड़ा ऑफ होता है क्योंकि वो प्रैंक इतना वायरल हुआ, उनको बहुत सारे कॉल्स गए थे आपने आरजू को थप्पड़ मारा, तो इमेज पे मतलब उनके इमेज थोड़ा ये हुआ था, बट उन्होंने सबको समझा कि नहीं यार प्रैंक था वो, तो वो अभी थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो फिर मैंने नॉर्मल सवाल, मैं बहुत ही नॉर्मल सवाल लिखे गया था, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं कुछ नहीं, क्योंकि पहला इंटरव्यू था। तो पहला इंटरव्यू किया, अच्छे से इंटरव्यू लिया, हो गया यार अच्छे से, 15 मिनट का टाइम मिलता है।
सो ऐसा मैंने पहले जैसा आपको बोला ऐसा सेड बिफोर कि मेरे को भी अक्षय कुमार बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है, तो आपको कौन सी फिल्म से पसंद आए थे वो? 2013 या 2012 में राउडी राठौर आई थी वो फिल्म, मैंने 6 बार देखी थी थिएटर्स में, गेटी में, गेटी में आप जब चिल्ला रहे हो गेटी में तो सब चिल्ला, गेटी में पहली बार देखी थी और बाकी सब जगह, मतलब जो जो प्लान बनते थे दोस्तों के साथ फैमिली के साथ मेरा अलग अलग, कितनी अच्छी लगी थी आपको? यार बहुत जबरदस्त लगी थी। 2 भी आ रही है शायद, उसका पार्ट 2 आने वाली है। खिलाड़ी 420 भी अंडररेटेड है, इंटरनेशनल खिलाड़ी, खिलाड़ी 400 या बहुत फिल्म है यार वो हेलीकॉप्टर वाला सीन, तो आपका उनसे कभी वन ऑन वन इंटरेक्शन हुआ है? 6 बार में मिला हूँ, 6 बार। और लास्ट कब मिला? लास्ट में मिला था अभी, मैंने उनके साथ इवेंट होस्ट किया रक्षाबंधन के लिए। अच्छा, वो तो 2 साल हो गए, तो मेरा वो पूरा जो सपना होता ना वो पूरा हुआ उस दिन। अच्छा, वो आपकी डीपी भी लगाई आपने, वही है ना उसी में? वही है, वही। तो मिर्ची में मेरी एंट्री हुई क्योंकि आरजे सुरेन मेरे बिल्डिंग में रहते थे, मेरे अंकल के फ्लैट में। तो मैंने उनको बोला था कि यार मैं बाहर फिल्म लाइन में हूँ, काम है नहीं है, मुझे कुछ सीखना है, रेडियो सीखना है। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है तू मिर्ची में आ जा, मैं तुझे एंट्री दिला देता हूँ, मैं लोगों से मिलवा देता हूँ, बट आगे तुझे जो कंटिन्यू करना है तो अपनी मेहनत पे करेगा। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई उसका वन ऑफ द रीज़न है आरजे सुरेन, जिनके साथ मैं अभी भी टच में हूँ। वो अभी भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे सिखाते कि यार ये इंटरव्यू तुझे ऐसे पूछना चाहिए था। हाँ, तो आरजे सुरेन ने मुझे एंट्री दिलवाई। तो एंट्री दिलवाने से पहले मैंने उनको बोला था कि भाई जब भी अक्षय कुमार मिर्ची में आएंगे मुझे मिलना है। ये मैं काम करने से पहले, मिर्ची में एंट्री लेने से पहले, तो उनकी फिल्म आई थी रुस्तम 2017 में तो सुरेन ने बोला कि भाई वो आ रहे हैं सुबह 5:30 बजे स्टूडियो, वो सुबह 5:30-6 बजे आते हैं स्टूडियो, आपको पता है आप फैन हो तो। तो मैं गया था सुबह मिर्ची में, तो मिर्ची में मैंने कुछ प्लान नहीं था, इंटर्नशिप, तो मैं सिर्फ फ़ोटो लेने के लिए मिर्ची में गया था। वो मैंने फ़ोटो ली थी, मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, वो पूरे कास्ट के साथ मैंने फ़ोटो ली, तब मैं उनसे मिला था। और तब मैंने सोचा था कि भाई मैं एक दिन अक्षय कुमार का इंटरव्यू लूँगा, मिर्ची में ही इंटरव्यू लूँगा मैं एक दिन। और कट टू 2 साल पहले मैंने उनके साथ इवेंट होस्ट किया। आप उसमें थे? हाँ थे, वो मतलब आप कुछ शायद, वो देखा था मैंने, ट्रेलर लॉन्च था ना, एल्बम लॉन्च था वो हिमेश जी भी आए थे। फोटो लेने से उनके साथ स्टेज शेयर करना मेरे पूरा एक उस दिन मेरा सपना पूरा हुआ। पर ऐसे बैठ के कभी पॉडकास्ट, ऐसे पॉडकास्ट का अभी तक मौका नहीं मिला क्योंकि जब से मैंने पॉडकास्ट करना स्टार्ट किया अभी उन्होंने इंटरव्यू देना बंद कर दिया। बंद कर दिया। अभी देखो शाहरुख खान, सलमान, अक्षय, इन लोग को इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है अभी, वो उतने सीनियर भी बन गए हैं। मतलब मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट उनको भी देने की जरूरत है नहीं। पर उन्होंने एक ANI को दिया था, मतलब मिशन अभी वो भी है ना यार, कि वो न्यूज चैनल्स को देंगे अभी, क्योंकि पता है रेडियो में आके फिर वीडियो देना वो सब भी अभी उनके। पर ऐसा क्यों, सेलिब्रिटी ऐसा क्यों करते हैं कि न्यूज़? उनको पता है उनके फैन क्लब्स है, वो देखने जाएंगे, अच्छी लगी तो पिक्चर चलेगी। हाँ, तो उनको अभी ये सब इंटरव्यू देने की, शाहरुख खान कहाँ देते अभी? हाँ नहीं, मैं रेडियो की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, वो नहीं, वो पठान के बाद से तो, मतलब जीरो के बाद से तो वो गायब ही होगा मीडिया। टॉप रिपोर्टर जो है, अगर वो भी है वो देंगे, वो भी उनका डील होगा तो मुझे नहीं पता, बट अक्षय, सलमान, आमिर, शाहरुख का भी ये लोग नहीं देते यार। यार अभी नए एक्टर्स भी नहीं देते, अभी एक्टर्स आते गए स्टूडियोज में। हाँ, पर ये क्यों बंद क्यों गया कल्चर इंटरव्यूज का, मतलब वो यार कोविड के बाद सब चेंज हो गया। हाँ, पर क्यों, मतलब ये हुआ क्यों, आपको बंद नहीं हुआ है? बंद नहीं, मतलब कम क्यों हो गया? कम हुआ है क्योंकि भाई, क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर्स है बाहर, मैं रेडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल जो मीडिया है, उल्टे उल्टे सवाल पूछेंगे तो होने ही वाला है ना। तो एथिक्स नहीं है, एथिक्स नहीं यार मीडिया में। तो क्या होने चाहिए एथिक्स आपके हिसाब से? यार मेरे हिसाब से एंटरटेनमेंट को, एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखो। हाँ। या अगर आप एक इवेंट पे जाते हो जहाँ पे एक्टर आएगा रेड कार्पेट पे, और आप उनको डिवोर्स के बारे में पूछोगे, अफेयर के बारे में पूछोगे, और ये लोग उल्टा मीडिया पूछ लेते हैं, बदतमीजी नहीं हुई? मतलब ये, मतलब अगर वो फिल्म के बारे में बात करना है तो उनको पर्सनल सवाल पूछेंगे ऐसा? देखो अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर फिल्म के लिए तो फिल्म के ऊपर ही पूछो, पर उनके बारे में मतलब कुछ अच्छी चीजें पूछो ऐसा सब। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं पॉडकास्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ। मुझे भी अपने वीडियो में व्यूज चाहिए। अभी तुम लोग भी इंस्टाग्राम पे करते हो, तुम लोग को पता है। हाँ। कि तुम लोग अगर मुझे सीधा सवाल पूछोगे तो कुछ होने नहीं वाला, एक तुम लोग को आड़ा टेढ़ा पूछना ही पड़ेगा, बट वो आड़ा टेढ़ा सवाल पूछने का भी एक लिमिट होता है, एक तरीका होता है। 10 नहीं पूछ सकते, 10 नहीं, या फिर जो एक भी पूछ रहे हो एक हद तक पूछो, तमीज से पूछो। मैं भी पर्सनल लाइफ का पूछता हूँ, बट मैं ये पूछता हूँ कि तुमने लाइफ में क्या सीखा, उस चीज से क्या सीखा। मैंने पूछा आपका डिवोर्स हो गया, आपका अफेयर चल रहा है,
आपको देखा गया उनके साथ, मैं ऐसे तो नहीं पूछूंगा। एक पर्सनल लाइफ उनको अपने साथ तक छोड़ दो, वैसा है। सबसे खतरनाक क्वेश्चन क्या पूछा आपने किसी को, जिसको आपने पूछा बहुत ज्यादा नर्वस हो गए हो आपको ये, मतलब व्यूज का आपने बताया कि देख पूछना तो पड़ता। मैं सेफ नहीं बात कर रहा, मैंने कुछ सेफ खेला बट मैं कभी उस जोन में पढ़ा ही नहीं आज तक। अच्छा, मैं कभी नहीं गया उस जोन में। तो कभी कोई सवाल पूछने से पहले झिझक हुई हो ऐसे कि ये मैं पूछ लूं कि नहीं क्या? कभी नहीं यार, मैं उस जोन में खेलता नहीं। आपने मुझे पता नहीं आपने मेरे कितने पॉडकास्ट देखे, कितने इंटरव्यूज देखे, बट मैं कभी कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं पूछता हूँ। हाँ, मैं ऐसे कुछ पूछता हूँ जिसके ऊपर व्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ, अंकिता लोखंडे और विकी जैन आए थे बिग बॉस वाले। आपने बिग बॉस फॉलो किया? मुझे नहीं पता। नहीं, जानता हूँ। हाँ, तो अभी उनके शादी के बहुत बातें चल रही थी कि डिवोर्स होगा या बिग बॉस आने के बाद, बाहर आने के बाद। बट मैंने उनको ये नहीं पूछा। मैंने बिग बॉस में जो उनके टॉपिक्स निकले थे व्यूज के हिसाब से, मैंने वो टॉपिक पूछा। फॉर एग्जाम्पल, पैसा कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या फिर आप लाइफ को अपने, मतलब मुझे पता है कि इस चीजों पे उनके अगर पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे तो व्यूज आएंगे। मैंने ये नहीं पूछा आपका डिवोर्स का, और इंप्रेशन भी आपका अच्छा बना होगा कि ये कुछ पूछ रहा है, ढंग के सवाल पूछ रहा है। मतलब ऐसे नहीं कि परेशान करने के लिए पूछ रहा है। इंप्रेशन ना, एक्टर्स को सच बोलूं उन लोगों को याद नहीं रहता है। अच्छा, नहीं रहता? नहीं रहता, क्योंकि वो दिन में या कितने इंटरव्यूज देते हैं। पर सब बोलते हैं शाहरुख खान। आपको मिला हूं मैं कभी, ये चेहरे से याद होता है बट नाम से पर शाहरुख खान तो याद रखते हैं ना, वो कह रहे थे यार याद रखते, बट कितने याद रखेंगे ना वो, अगर 500 लोगों को दिन में 200 लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को मिलते होंगे वो ऑब्वियसली याद रखते हैं। बट ऐसा नहीं कि यार अभी मुझे अगर एक दो, मैं उनको आई थिंक दो बार मिला हूं। हां, मतलब कल को आप मेरा नाम भूल जाओगे? नहीं यार, ऐसा नहीं, मैं शाहरुख खान की बात कर रहा हूँ। नहीं, पर आप भी तो मतलब बड़े आदमी बन गए यार। ये तो पहला पॉडकास्ट है यार, अभी बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता। तो आपने किसी और को दिया इंटरव्यू पॉडकास्ट? ये पहला है मेरा, वो भी आपने रीच आउट किया इसलिए, और मेरा कुछ भी एम नहीं है, मतलब मेरा तो आपसे सवाल पूछने देने नहीं है। यार देखो, इसमें मैं क्लैरिटी देना चाहूंगा कि मेरा ऐसा कि मुझे फेमस नहीं बनना है, मेरा ऐसा कुछ है नहीं यार। आपको करना क्या है फिर? नहीं तो मुझे अपना काम करना है, जो मुझे दिया गया अच्छे से, मेरा इंटरेस्ट है वो मैं करता हूं। आपको मजा आता है करना? मजा आता है, मेरा पसंदीदा, मतलब मुझे इंटरेस्ट है इसलिए मैं करता हूं। और आप बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब जिनको अपने काम में मजा आ रहा है, आप उनमें से एक लगते हो मेरे को, मतलब जो अपना ड्रीम फॉलो कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है, लोग ड्रीम फॉलो क्यों नहीं कर पाते? आप तो एक्सपीरियंस हो कि आपने, अब चलो अपना ड्रीम ले, मतलब आपको आना था इस लाइन में, आप आ गए, तो लोग नहीं कर पाते, उनमें क्या छूट क्या जाता है? आई थिंक जितना मैंने देखा है, बहुत लोगों का फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है। अच्छा। बहुत जगह पे आई थिंक अभी भी नहीं होता, मतलब इतना हम लोग इवॉल्व हो गए, अभी मैंने देखा है बहुत लोगों के फैमिली सपोर्टिव नहीं होते। ये 50% है, 50% ये कि जिसका सपना है, जो बंदा देख रहा है सपना, उसका उतना फोकस नहीं होता, वो 10 चीज़ें भटकता है, मुझे आज ये करना है। ये मैंने अपने दोस्तों में देखा है, एक मेरा दोस्त था, हाँ मुझे अभी ये करना है, फिर थोड़े दिन बाद बोलेगा नहीं मुझे वो करना है, फिर एक हफ्ते बाद मुझे नहीं, ये नहीं अभी ये करना है। तो ये है, मतलब बहुत लोगों का फोकस नहीं होता, अभी भी नहीं होता। मुझे लगा ये सब ऐसी ही बातें कहते हैं, बहुत लोग पता ही होगा अंदर, बहुत लोग जम करते रहे। अब तक कितनी फिल्में देख ली, काउंट करिए आपने? तेरा ही सवाल है भाई। अभी भी मैं अभी भी हर वीकेंड में थिएटर में पड़ा रहता हूँ मैं, ना मैं क्लबिंग करता हूँ, ना मैं ड्रिंक्स करता हूँ, ना मैं स्मोक करता हूँ। टाइम मिल जाता है आपको काम? सैटरडे संडे मुझे ऑफिस को छुट्टी होती है, कभी कभार एक शूट या इंटरव्यू आ जाता है, बट सैटरडे संडे क्योंकि ऑफिशियल कॉर्पोरेट है, टाइम्स के अंडर मिर्ची का है, टाइम्स ऑफिस है, तो सैटरडे संडे कॉर्पोरेट मजदूर, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो अभी भी मैं बुक में से खोलता हूँ, जितना भी है खत्म कर लेता हूँ। तो आपका खुद का सबसे फेवरेट, पर्सनल फेवरेट इंटरव्यू कौन सा लिया आपने अब तक, जब आपको लगा कि सैटिस्फेक्शन मिलता है इंटरव्यू लिया कि चलो मजा आ गया यार? ये ना बहुत डिपेंड करता है सेलिब्रिटी पे भी, क्योंकि जैसे आपने बोला ना विवेक ओबेरॉय, वो बहुत ही अच्छे स्पीकर है। मैं कितना भी सवाल पूछूं अगर सामने वाला अच्छा आंसर नहीं देगा ना, सेटिस्फेक्शन आएगा नहीं। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, कौन सा पर्सनल, वही वाला था। वैसे तो विवेक ओबेरॉय ही है पर्सनल फेवरेट, वही वाला था। और किसी और का मतलब? इसका एक रीजन भी है, क्योंकि वो एक इंटरव्यू वायरल भी इसीलिए हुआ था क्योंकि विवेक ओबेरॉय ने बहुत इंटरव्यूज दिए थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मिर्ची के लिए इंटरव्यू दिया था, वो उन्होंने अक्षय कुमार की बात की। अगर आपने वो पॉडकास्ट देखा, अगर आपको याद होगा, मैंने खुद कुछ नहीं पूछा था अक्षय कुमार के बारे में, मैंने अक्षय कुमार का खुद कुछ नहीं पूछा था, उन्होंने बोला था, उन्होंने पूछा था कि आपको, आपका वो दोस्त कौन है जिसने आपको अपने गलत टाइम पे या बुरे टाइम पे हेल्प किया था, तब उन्होंने खुद से बोला था, और वो चीज 24 साल में किसी को नहीं पता था। लोगों को पता है कि हाँ कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था, बट अक्षय कुमार ने उनको हेल्प की थी, वो किसी को नहीं पता था 24 इयर्स, इसलिए वो इतना इंटरव्यू वायरल हुआ। अच्छा, वो क्लिप वायरल हुई थी ना, वो क्लिप की वजह से फिर वो पूरा पॉडकास्ट वायरल हुआ। हाँ। वो पूरे न्यूज चैनल्स ने टीवी पे कवर किया, यूट्यूब पे कवर किया, किसी को नहीं पता था, तो मेरा लगा अच्छा। फिर उनको थैंक्स बोला हुआ विवेक ओबेरॉय को बाद में जाके? अभी मुझे बाद में मिले नहीं है, बट मैंने बॉलीवुड डेस्क के थ्रू मैसेज पास किया था। तो वो यहां पे नहीं रहते ना, दुबई? नहीं, दुबई में होते। फिल्म कौन सी फेवरेट है आपकी? यार मेरे टॉप पे ना, नंबर वन पे ZNMD है। अच्छा। और अगर मैं अक्षय कुमार की बात करूं तो बेबी। बेबी आपको ज्यादा पसंद है?
बेबी, मुझे सिंगिंग स्कीम पसंद है, मतलब मैं बड़ा वो ही सब फिल्मों को देख के हुआ ना जो 2007 के बाद आई है, तो बेबी तो क्या बोलूँ, वो देखी है मैंने, पर वो नमस्ते लंदन, नमस्ते लंदन ये, उसके बाद हे बेबी वो सबसे बढ़िया है, फिर और भी कौन से है? वैसे तो बहुत फिल्म है, वैसे वेलकम, वेलकम अभी एक ढूंढना मुश्किल, भूल भुलैया, सिंग इज किंग आई थी, कमबक टेस्ट भी अच्छी लगी, अभी जो उनकी फिल्म आ रही है सरफिरा वो भी मैं देख के आया, मैंने पूरी फिल्म देखी है। आपको पहले दिखा थी? क्योंकि हम पार्टनर्स हैं, मिर्ची पार्टनर्स है, टाइम्स ने आई थिंक जंगली पिक्चर्स ने प्रोड्यूस की है, बहुत जबरदस्त है, आप खाली उनकी एक्टिंग देखना। हाँ, जो हम लोग दिख ही रहा है, क्योंकि मैं BMCM से बहुत डिसअपॉइंट हुआ था, मेरे को तो ठीक लगी थी वो, नहीं यार मैं बहुत, मुझे वो लगी नहीं अक्षय कुमार फिल्म, मतलब लगी नहीं, वो उसमें अक्षय कुमार है, वो रोल कोई भी कर सकता था वैसा है। आप देखते हो कि रिव्यूअर कुछ कुछ होते हैं यूट्यूब पे, मैं रिव्यूज देखने में छोड़ दिया है, और मैं पहले भी रिव्यूज नहीं देखता था, क्योंकि क्या है मैं जब तक फिल्म नहीं देखता मैं रिव्यूज नहीं देखता। जानते तो हो किसी यूट्यूबर को जो रिव्यू करता है? सब कॉन्टेक्ट में है या बात करता है, बट किसको, जैसे कौन, शान प्रसार है, अच्छा है, शान प्रसार है वो, मेरे को बढ़िया लगता है, और फिर जितने भी मीडिया वाले अभी उनका मतलब है, मतलब जूम टीवी वाले है अभी सब फैल गया, शान प्रसार काफी बढ़िया करते हैं। चलो फिर कभी खेलना हो तो बोलना, पक्का कुछ प्लान करते हैं अपन। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट आप सबको, थैंक यू।